दोस्तों, सुशांत किताबों के कितने बड़े दीवाने थे ये उनके फैंस अच्छी तरह जानते हैं। सुशांत हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। ट्रैवल कर रहे हो या फिर घर में खाली टाइम हो तो सुशांत का पूरा फोकस नई नई किताबों को पढ़ने में होता था। तभी तो सुशांत को हर चीज के बारे में इतनी डीप नॉलेज थी, चाहे फिर वो साइंस हो, फिजिक्स हो या फिर एस्ट्रोनॉमी। सुशांत के घर में बुक्स का अंबार लगा हुआ था, मगर अब सुशांत नहीं है, सिर्फ सुशांत की यादें हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दूसरों को लूटना खसोटना सीखा है, दूसरों की जिंदगी तबाह करना सीखा है। अब ऐसे लोग भी हाथ में किताब लेकर ज्ञान बांटने चले आए हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है रिया चक्रवर्ती की। वो अब सुशांत की मौत के बाद पहली बार सामने आई है और 10 महीनों में कैसे उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई इस पर भी बोली है। तो क्या कहा रिया ने और कैसे रिया का ज्ञान खुद पर ही पड़ गया भारी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और रिया की इस नई नौटंकी को उसी की भाषा में जवाब भी जरूर दें। तो सुशांत की मौत के बाद मुंह छिपाकर बैठी रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वो किताब पढ़ते नजर आ रही है। और जो किताब रिया के हाथ में है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो कि विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे दोस्तों। अब टैगोर की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है गीतांजलि, जिसमें जीवन की तमाम परिस्थितियों को लेकर टैगोर ने अपने भावों का संग्रह लिखा है। अब हैरानी की बात देखिए, रिया चक्रवर्ती ने फोटो के साथ हाथ में गीतांजलि किताब को लेकर पोस्ट शेयर की है, जो कि अपने आप में बेहद मजाकिया लग रहा है, क्योंकि रिया जैसी लड़की के हाथ में गीतांजलि बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। रिया चक्रवर्ती ने इस पोस्ट के साथ अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर का विचार भी साझा किया है। रिया ने लिखा, सवाल और अफसोस, ओ कहां हजार धाराओं के आंसू में पिघल गए और बाढ़ के आश्वासन के साथ जल प्रलय से दुनिया को बचाना है। मैं हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। इसके साथ रिया ने लिखा, हैशटैग कीपिंग द फेथ, मतलब विश्वास बरकरार रखें। अब रिया की ये पोस्ट देखकर तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जहाँ एक तरफ फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से रिया के सपोर्ट में कमेंट्स आए, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के रियल फैंस ने रिया चक्रवर्ती की क्लास लगा दी। एक फैन ने लिखा, ये देखो ड्रामा करने आ गई है सिंपथी के लिए। वहीं एक फैन ने लिखा, इनका चेहरा देखते ही मुझे उल्टी आती है। वहीं एक और सुशांत के फैन ने लिखा, किताब उल्टी पकड़ी है, ज्ञान हमें मत दो। वहीं एक और सुशांत के फैन ने तो फेक अकाउंट से कमेंट्स करने वालों की क्लास लगा दी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती को लेकर फैंस की नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। भले रिया अफसोस की बात करे, मगर इससे रिया के पाप कम नहीं होंगे। रिया गीतांजलि जैसी किताब हाथ में लेकर फोटो खिंचवाने की कितनी भी नौटंकी कर ली, मगर इससे रिया के कुकर्म कम नहीं होंगे। और रिया किस फेद की बात कर रही है? फेद तो सुशांत ने रिया पर किया था। रिया को अपने घर में रखा, उसके पूरे परिवार पर पैसा पानी की तरह बहाया। और रिया और उसके परिवार ने सुशांत के साथ क्या किया, ये तो सुशांत के पिता ने अपनी FIR में एक एक शब्द में बताया था। तो रिया, भले ही तुम्हारे कर्मों का फल मिलने में देरी हो रही है, मगर कानून में विश्वास रखने वाले जानते हैं कि देर से ही सही, मगर सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा। एक दिन रिया तुम अपने कर्मों की सजा जेल में जरूर काटोगी। तो रिया की इस नौटंकी पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। और इसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जो भी आया, सुशांत के नेम और फेम का फायदा उठाने वाला ही रहा, सुशांत को लूटने खसोटने वाला ही रहा, सुशांत का इस्तेमाल करने वाला ही रहा। गर्लफ्रेंड के मामले में तो सुशांत बेहद ही अनलकी रहे दोस्तों। किसी से भी सच्चा प्यार नहीं मिला सुशांत को। सुशांत को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर बर्बाद करने वाली लड़की ने तो सुशांत को जिंदा भी नहीं छोड़ा, और अब वो खुद अपनी जिंदगी ऐश और अय्याशी के साथ जी रही है। और तो और, अब तो उसने बलि के लिए नया बकरा भी तलाश कर लिया है दोस्तों। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक साल भी नहीं बीता है और रिया चक्रवर्ती ने एक अरबपति एक्टर के साथ डेट पर जाना भी शुरू कर दिया है, खुलेआम पार्टीबाजी शुरू कर दी है।
यही नहीं, रिया ने तो यहाँ पर सीबीआई और एनसीबी दोनों की जांच पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कहा रिया ने सीबीआई की जांच को लेकर और सुशांत के बाद किस एक्टर की जिंदगी पर लगने वाला है ग्रहण? आपको बताते हैं सब। लेकिन अगर आप भी स्टैन को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं तो सुशांत के इंसाफ के इस मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो रिया चक्रवर्ती को हाल ही में मुंबई के अलीबाग में खुलेआम पार्टीबाजी करते देखा गया। रिया चक्रवर्ती एक्टर और मॉडल साकिब सलीम कुरैशी के साथ डेट पर गई थी। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि साकिब सलीम कुरैशी खानदानी रईस हैं। साकिब एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के सगे भाई हैं और साकिब के पिता की पूरे देश में रेस्टोरेंट की चेन है और वो दिल्ली के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में भी आते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही साकिब के पिता के 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं और वो भी बहुत पॉश इलाकों में। तो समझा जा सकता है कि साकिब कितने रईस पिता के बेटे हैं। रिया ने साकिब के साथ मेरे डैड की मारुति फिल्म में भी काम किया था और अब रिपोर्ट्स में जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक रिया सुशांत के जाते ही साकिब के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और अब तो रिया ने खुलेआम मीडिया के सामने साकिब के साथ पोस्ट भी देना शुरू कर दिया है। मतलब रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आई है और रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुशांत की मौत को एक साल भी नहीं बीता और उसके पीछे सीबीआई और एनसीबी जैसी बड़ी संस्थाएं जांच कर रही हैं। अब रिया को सीबीआई का डर क्यों नहीं है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं दोस्तों। तो बॉलीवुड में ये कहावत आम है कि खून करो बचाने के लिए बाप बैठे हैं। सुशांत की मौत को एक साल होने वाला है। मौत की जांच, ड्रग की जांच, करोड़ों की हेरा फेरी की जांच देश की तीन सर्वाधिक मजबूत जांच एजेंसियां कर रही हैं। मगर ये तीन जांच एजेंसी मिलकर भी रिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। एनसीबी भी रिया को सिर्फ एक महीने ही जेल में रख पाई और सीबीआई तो जैसे फाइलें सील करके ही बैठ गई है। अब सोशल मीडिया पर फैंस इन सब चीजों को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। फैंस का कहना है कि रिया निर्दोष तो बिल्कुल भी नहीं है, रिया ने सुशांत के साथ गलत किया है। मगर रिया के पीछे बचाने के लिए बॉलीवुड की सबसे बड़ी लॉबी काम कर रही है। कई पॉलिटिशियंस रिया को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर रिया पर आरोप साबित हो गए तो सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि रिया के साथ बॉलीवुड के कई नाम और कई बड़ी हस्तियां भी फंसेंगी। तो रिया को तो बचाना ही पड़ेगा क्योंकि रिया डूबेगी तो प्रलय और भी कई जगहों पर आएगी। इसीलिए रिया चक्रवर्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सीबीआई केस की मुख्य आरोपी है, कि उस पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत कुछ गलत करने के आरोप हैं, कि एनसीबी की चार्जशीट में भी उसका नाम है। रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो अपनी जिंदगी पूरी अय्याशी के साथ जी रही है। फैंस का कहना है कि अब तो रिया के पीछे पैसे उड़ाने वाला बॉयफ्रेंड भी मिल गया है।